जी, सबसे पहले आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हर संडे लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर अपना भेज दें, अपना कंसेंट कि मुझे ज्वाइन करना है, ताकि उनको एक ही ग्रुप में ऐड किया जा सके। हमें हर ग्रुप में लिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए, तो इसलिए हमारे सभी के लिए काम आसान हो जाएगा। जो लोग नहीं करना चाहते फिर वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए, अभी आपके पास एक लिंक आएगा कुछ समय के बाद ही, तो बस उसको वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइएगा तो आप ऑटोमेटिक उसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे। नया जी, साल मुबारक हो गुरुजी। को भी मुबारक हो। हाँ माया जी, बताइए, क्वेश्चन शुरू करें। सर, जैसे नौवां घर खाली है और तीसरा घर भी खाली है, चौथा घर भी खाली है, तो इसके मतलब जो मतलब इनके असर है वो कुंडली पे पड़ेगा? पहली बात तो माया जी, आपने हमारा कौन सा कोर्स अटेंड किया हुआ है? अभी तो सर मैंने न्यूमरोलॉजी का है, बाकी जो फलित वाला है वो कर लिया। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं हर क्लास में ये जवाब दे चुका हूं। ऐसे ज्योतिष में फलादेश नहीं किया जाता। जो भी ठीक है ग्रह सर, खाली होते हैं, जो भी घर खाली होते हैं, उनका कोई ना कोई मालिक होता है। खाली कोई नहीं होता, है ना? जैसे हमारे जी देश सर, में जहां जहां जमीनें हैं, या तो एक आम जनता उस प्लॉट की, उस जमीन की मालिक मिलेगी, और जिसकी मालिक आम जनता नहीं है उसकी मालिक सरकार है। तो जमीन का कोई ना कोई मालिक होता है। तो ऐसे 12 भाव हैं, 12 भाव एक प्रकार की जमीन है, और इनका, इस जमीन का कोई ना कोई मालिक मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके ठीक से है सर। इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप लाइव इनको क्लास जरूर जगाना तो नहीं अटेंड करा पड़ता करें। हाँ, आप हमेशा लाइव अभी से? क्लास सर करें। जी हाँ विशाल जी, एक कॉन्सेप्ट है कि जुपिटर 9th में ग्रह फल का भी होता है और राशि फल का भी होता है, जी, और साथ में चूंकि जुपिटर 9th में है तो एक वो भी अपना प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि कारको भाव नाशाय। जी 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 तो इस केस में जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए या जुपिटर की मित्रों की रेमेडी चाहिए करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह फल भी है राशि फल भी है। देखिए विशाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा है। ये वैदिक ज्योतिष में भी लोग कंफ्यूज होते हैं और लाल किताब में भी, और सबसे अच्छी बात है दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों एक ही बात कहने का मतलब क्या है कि जो भी लाल किताब के अनुसार जो भी ग्रह है, पक्के घर का मालिक। पक्के घर का मालिक का मतलब है कि होली सोली आप ही इंचार्ज है, आपके अलावा कोई नहीं है उसमें। कोई ना नॉमिनी है, ना कोई आपका पार्टनर है, कोई कुछ नहीं। नवम भाव होली सोली इंचार्ज जो है नवम भाव का गुरु है, यानी कि ये इसके लिए पक्का घर हो गया। इसमें इसका कोई दूसरे का इंटरफेयर ही नहीं है, जो करेगा ये करेगा। अब वैदिक ज्योतिष कहती है कारको भाव नाशाय। नवम भाव का कारक ग्रह गुरु है, और जब वो अपने ही घर में बैठेगा तो कुछ समस्याएं दे सकते। अब वो समस्याएं क्या हो सकती हैं उसका हमने विश्लेषण करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत ये करना चाहते हैं कि भाई गुरु अगर सकारात्मक है तो क्या देगा, और नकारात्मक है तो क्या देगा। अगर सकारात्मक है तो डेफिनेटली जो जो चीजें उससे रिलेटेड हैं उन चीजों में वो स्मूथनेस देगा, जैसे एजुकेशन, जैसे वेल्थ, मान सम्मान, ज्ञान, ये सब चीजें उसको अच्छे से मिलेंगी। पर यहां पर हम आज के युग में कंफ्यूज एक बात को लेकर के हो जाते हैं। हम स्कूली शिक्षा को भी एजुकेशन मान करके ही काम कर रहे हैं, परंतु वो स्कूली शिक्षा लिखी नहीं गई बृहस्पति के लिए। बृहस्पति के लिए लिखा गया गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, नॉलेज।
अब बेशक वो ग्रेजुएट पास है कि नहीं है, एमए पास है कि नहीं है, कभी भी अगर गुरु अच्छा हो तो ये मत सोचिएगा कि वो ग्रेजुएट पास होगा या हायर एजुकेशन पास होगा। जिनका बृहस्पति कमजोर होता वो भी एजुकेशन गेन कर जाते, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एजुकेशन जो आज की है उसमें चंद्र, बुध और गुरु ये तीनों इन्वॉल्व है। पर यहां पर प्योर ऐसी नॉलेज की बात हो रही है जो इंसान को दो जहान का ज्ञान देने वाली, इस संसार में हमें कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस समय पर क्या निर्णय लेना चाहिए, जो निर्णय नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से और सभी के लिए हितकारी हो, वो ऐसे डिसीजन बृहस्पति के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये तो पॉजिटिव पक्ष हो गया। अब एक आदमी जो ज्ञान से भरा हुआ है, जब भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है ये इस बात को दिखाता है कि आप किसी अच्छे सामर्थ्यवान गुरु के शिष्य रहे और आपने गुरु की बहुत अच्छी सेवा की है, आपको गुरु का आशीर्वाद मिला है। गुरु का आशीर्वाद का मतलब ज्ञान मिला है, वो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड आपके इस जन्म में भी होगा। तो जिस व्यक्ति के का गुरु बहुत अच्छा होगा उसको एक बार बार एक विचार उसके दिमाग में आएगा, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि वो जिस किताब को भी उठा करके पढ़ना शुरू करता है वो बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है। किसी ज्ञान चर्चा में भाग लेता है तो उस चर्चा को समझ जाता है। तो एक समय पर कभी कभी ऐसी हालात हो जाती हैं कि उसके ईगो लेवल बढ़ जाता है और वो आम जनता को या जिसमें कम नॉलेज है उसको सुनना पसंद ही नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी जीवन की गति जो ऊपर बढ़नी चाहिए वो रुक जाएगी, क्योंकि वो तो मान के बैठा है मुझे किसी की बात सुननी ही नहीं। वो थोड़ी सी बातें करेगा, दो चार बात करेगा, इतनी देर में माप लेगा कि यार इसका नॉलेज का लेवल तो इतना ही है, मेरा तो इतना है, इससे क्या टाइम वेस्ट है। तो अब ये नवम भाव क्या है, नवम भाव आपका भाग्य है। आज के टाइम में देखा जाए तो आपकी प्रमोशन, आपके कैरियर की स्ट्रेंथ, आपका परमात्मा का आशीर्वाद, आपका बॉस, ये सभी के सभी आपके क्या है, नवम भाव। अगर आप में इतना अहंकार हो जाएगा कि आप अपने बॉस को कम अगता रखेंगे तो समझ तो वो भी जाएगा कि ये बंदा क्या सोच रहा है, वो आपको प्रमोशन कैसे देगा, वो आपको आगे बढ़ने कैसे देगा। तो जिन लोगों के इस तरह की चीजें होती हैं उनकी एक कंप्लेंट होती है कि आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मेरा बहुत बड़ा कैलिबर है, बट मैं रुक गया, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं इस वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, मेरे से ऊपर वाले जो कम नॉलेज वाले हैं वो मुझे आगे नहीं जाने देते। तो हो गया ना कार को भाव नाश आए, कि उसने नवम भाव का नाश कर दिया, नवम भाव का नाश कर दिया। लाल किताब कहती है जो भी ग्रह इस तरह का पक्के घर का मालिक बन जाता है उसका इलाज करना मुश्किल होता है। अगर उसका आप डायरेक्ट इलाज करोगे तो आपको कोई रेमेडी फलादेश नहीं दे, मतलब फलित नहीं होगा। अब ये बड़ी गहरी बात है, लाल किताब है ना, एक एक लाइन बहुत गहरी कहती है जिसको डिकोड करने की जरूरत है। डायरेक्ट रेमेडी का मतलब क्या हो गया कि आप उसे डायरेक्टली समझा नहीं सकते। जिसका गुरु इतना पावर है, पावरफुल है, वो आपकी सुनेगा क्यों, तो आपसे सुनाओगे क्या, समझाओगे क्या। और घर परिवार तो वैसे दुखी है उसका, क्योंकि वो तो सुनने को तो किसी की तैयार नहीं है। तो इसीलिए अगर देखा जाए 20-30% गुरु को अगर डेंट लगा हुआ है तो कलयुग के हिसाब से वो अच्छा है,
कलयुग के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा वो उसकी कुंडली के हिसाब से अच्छा है, कलयुग के हिसाब से वो एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो काफी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाता है, कंप्रोमाइजिंग हो जाता है। पर ये कह देना, एक मैं एक वीडियो मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा, उसने कहा कि गुरु जितना खराब होगा उतना अच्छा, वो बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश है एक प्रकार से। गुरु जब खराब हो जाएगा तो जिनका गुरु खराब होता है आप जान के हंसोगे, वो भी किसी की नहीं सुनते, क्योंकि वो भी अपने आप को गुरु ही मान के बैठे। तो हमेशा ध्यान रखना, गुरु का बहुत बेहतरीन हो जाना, नवम भाव में बहुत पावरफुल हो जाना, और गुरु का कमजोर हालात में हो जाना, दोनों ही स्थितियां खराब हैं। तो फिर सर उपाय उसके फिर मित्रों का करना पड़ेगा अगर करना इसके है तो। मित्रों का उपाय, मित्रों का मतलब ही यही होता है, वो किसी ना किसी की बात तो सुनता ही होगा। लाल किताब कह रही है जिसकी सुनता है उसके द्वारा सुनवाओ, तुम्हारी तो सुनेगा नहीं। जैसे घर वाले कई बार ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं कि यार ये आदमी फलाने के पास उठता बैठता है, इसकी मान लेता है, तो उसको जाकर के वो कहते हैं जी इसको थोड़ा समझाओ, इसने घर में ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो वो इनडायरेक्टली उसको समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल हो जाती। तो हाँ, मित्र ग्रहों का उपाय करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखनी चाहिए थोड़ा सा उन लोगों को। पर हाँ, जिन लोगों का खराब हो जाता है वो अपने धन का संचय नहीं कर पाते या धन को रोक के नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट के द्वारा, या कई बार तो कमा ही नहीं पाते, क्योंकि गुरु का खराब होना कमाई में भी बहुत बड़ा व्यवधान होता है। तो ये चीज है गुरु जी सर। प्रणाम। कॉन्सेप्ट है सर, अगर जस्ट सर एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नवे भाव से किस्मत के बादल उठते हैं, दसवें से जल भरते हैं, दूसरे में पहाड़ से टकरा के चौथे में धन वर्षा करते हैं। अब अगर दूसरे घर में कोई प्लेनेट ना हो तो ये हवाएं बाहर चली जाएंगी और धन वर्षा नहीं होगी। तो जी इसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, और इसमें हम मतलब इसका कुछ कोई अगर अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई उपाय किया जा सकता है क्या? हाँ, इसका सूत्र को बड़े प्यार से हमने फिर से समझते हैं, बड़ा ही प्यारा सूत्र है। पहली बात तो नवम से बादल उठेगा, बादल क्या है, जिसके पास जल भरा हुआ है एक प्रकार से, हम ये मान के चलते हैं। पर यहाँ लाल किताब क्या कहती है कि वो अभी तो नवम भाव खाली बादल है, उसमें भी पानी नहीं है, पानी उठाने के लिए उसे दसम भाव में जाना पड़ेगा, यानी कि पहला भाग्य वो जरूरी है। भाग्य का एक मायने है अपॉर्चुनिटी, मौका तो मिले, तो नाइन्थ हाउस हमें जीवन में अवसर प्रदान करता है। अब वो अवसर तो मिला, पर कैसा मिला कैसा नहीं मिला वो एक अलग प्रश्न है, परंतु दसवां भाव यानी कि कर्म उसमें जल, आपको मौका मिल गया और अगर हम उसके लिए कर्म ही ना करें तो उसका कोई लाभ नहीं, ये बादल यहीं मुरझा जाएगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लाल किताब ने दसम भाव को बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि जी बिना कर्म के भाग्य कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कहा गया कि दसम से वो जल उठाए। अब आपने चलना है दूसरे पर। पहली बात यहां पर कही गई है कि अगर कोई ग्रह हो तो वो एक पहाड़ की तरह काम करेगा और उस बादल को रोकेगा। ग्रह जब भी किसी भाव में होता है वो उस भाव पर अपना बहुत ताकत के साथ अपना असर रखता है और दिखाता है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ग्रह अगर है तो वो ताकत के साथ खड़ा, मतलब आपका पहाड़ जो है वो एक प्रकार का पत्थर का पहाड़ है,
जिसमें टकराने की हिम्मत है उससे। आप सपोज करो वहां पर कोई ग्रह नहीं, तो लाल किताब का तो बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, अगर ग्रह नहीं है तो वहां पर गुरु और शुक्र तो है ही है, वो कहां जाएगा? तो आपको पहाड़ का काम गुरु और शुक्र करेंगे ऐसे, अगर कोई ग्रह नहीं है। अब आप प्रश्न ये उठता है, ये गुरु शुक्र कैसे काम करेंगे जी यहां पर, क्योंकि दूसरे में तो है ही नहीं वो। तो आपने ये देखना है इस कुंडली के अंदर गुरु कितना शक्तिशाली है और शुक्र कितना शक्तिशाली। अगर गुरु शक्तिशाली है, शुक्र शक्तिशाली है, तो उस बादल को ये रोकने में सक्षम है। अब प्रश्न उठता है जी, अगर दोनों शक्तिशाली हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे ढंग से रोकेंगे। अगर दोनों में से एक भी शक्तिशाली है तो भी एनफ है, यानी कि वो रोक लेंगे। और कितना रोक लेंगे? इतना रोक लेंगे कि उसके और उसकी लाइफ के लिए, उसके परिवार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड्स ऑन कि वो शुक्र शक्तिशाली है तो जो जीवन में लग्जरी का हिसाब किताब पे ज्यादा खर्चा करेगा, क्योंकि बरसात तो चौथे भाव में होनी है, और चौथे भाव में बरसात होने का मतलब है कि जो भी ग्रह उस बादल को रोकेगा उसका असर उस घर पे दिखाई देगा, यानी आपके अपने घर पे। सपोज करो अगर शुक्र ने रोका बादल तो घर में लग्जरी बहुत आ जाएगी, घर बहुत लग्जरियस होगा, जमीन जायदाद मकान वाहन लग्जरी कंफर्ट्स, इनके ऊपर व्यक्ति ज्यादा खर्चा करेगा क्योंकि वो बादल बरसी ना शुक्र से। और अगर यही काम गुरु करेगा तो जरूरी नहीं कि लग्जरी हो, पर उसके पास धन का संचय है बहुत होगा, उसके पास जोड़ा हुआ पैसा बहुत, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत होगा। तो एक वो ऐसा आदमी होगा जिसको लोग कहेंगे यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, सादा जीवन उच्च विचार, बंदा बिल्कुल एक पैसे का दिखावा नहीं करता, बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर बंदा बिल्कुल दिखावा नहीं करता। तो क्योंकि वो बादल गुरु के द्वारा रोका गया, बरसात वहां पे चौथे में होगी, तो आप क्या होगा, वो उसने चौथे घर को सिक्योर बना दिया और स्टेबल बना दिया। अब जिस घर में इतना पैसा है वो घर ऑटोमेटिक सिक्योर है और स्टेबल है। तो इसको इस तरीके से देखना है। ये मैं ये जो हमने सेशन शुरू किया है, शायद इस ऐसी महीन बातें जो अक्सर छूट जाती हैं क्लासेस में भी क्लियर हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि लाल किताब का सिलेबस बहुत बड़ा है सर और इसी के अगर उसको इतना टेंपल्स में जल्दी सर पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत डीप में उस पर डिस्कशन हो नहीं पाता है, तो डेफिनेटली जो है इस तरीके से विचार होना चाहिए। हाँ कुछ कह रहे थे आप? सर इसी केस में यही वाले कॉन्सेप्ट में अगर 10th हाउस खाली है और शनि नीच का है पहली बात तो खाली से तो घबराना ही नहीं, खाली है मतलब शनि हो गया। हाँ खाली है इसका मतलब शनि हो गया, जी और शनि जो है फर्स्ट वो हाउस में नीच नीच का का होगा, है। हाँ फर्स्ट जी हाउस में नीच का होगा, सिंपल सी बात है। जी यानी कि कर्म में जो कुशलता आनी चाहिए उसमें कमजोरियां आ जाएंगी, वो व्यक्ति कर्म में एक साथ कई कर्मों को दरवाजे खोल देगा। अच्छा अक्सर जिनका शनि इस तरीके का होता है वो एक साथ कई कामों में जुट जाते हैं जिससे उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। शनि उच्च का मतलब फोकस्ड इन वर्क, अपने कर्म में बिल्कुल फोकस्ड है, अगर उसने एक लाइन पकड़ी है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा वो दूसरा रास्ता खोलेगा ही नहीं। सपोज करो उसने व्यक्ति ने जिसका शनि उच्च का है उसने कोई गैराज खोल दी,
मैकेनिक का काम खोल दिया उसने। जब तक वो इस मुकाम तक ना पहुंचा दे कि अब वो ना भी जाए तो भी गराज बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, उससे पहले वो दूसरे किसी काम में डाइवर्ट नहीं। ये शनि की पावर होती है, इसीलिए कहा गया है शनि का आशीर्वाद आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करवा, यानी कंसिस्टेंसी लगातार एक सूद में आप काम करते चले जाते हो, कर्म करते चले जाते हो। शनि की कमजोरियां आपको कंसिस्टेंसी से हिला देती हैं, सिंपल सी बात है। तो शनि तो अगर ऐसे नीच का है तो इसका मतलब कर्म के अंदर कोताही हो रही है, वो कहीं ना कहीं दो तीन चीजों में डाइवर्ट। केस में फिर शनि को स्ट्रेंथन करना चाहिए अपने को, शनि शनि के को दान। तो देखो, शनि जिसका भी कमजोर है उसे ताकत देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनि कमजोर यानी व्यक्ति का मानसिक रूप से तो वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, शारीरिक रूप से कम एक्टिव हो जाएगा। आप समझिए बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर मंगल कमजोर हो जाएगा वो फिजिकली कम एक्टिव मिलेगा, दिमागी रूप से बहुत एक्टिव मिलेगा। इसी तरीके से शनि जब कमजोर पड़ जाएगा तो वो फिजिकली काम नहीं करना चाहता, उसके साथ प्रॉब्लम ये है, वो भाग दौड़ नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं कोई एक आइडिया बनाऊं, उस आइडिया से ही मैं पैसा कमाऊं। अब शनि कमजोर है तो वो कहता दो तीन आइडिया आने चाहिए, फिर एक से क्या होगा, पैसा तो ज्यादा चाहिए ना। शनि मेटेलिस्टिक प्लेनेट है, ये धन की तरफ आकर्षित करने वाला। अब नीच का ग्रह है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धन की तरफ आकर्षित नहीं है, वो धन की तरफ ज्यादा आकर्षित है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है। और उसके लिए उसके अंदर एक बेचैनी है कि किसी तरीके से इसको जो मैं सोच रहा हूं उतना पैसा तो आना चाहिए, अब वो नहीं आ रहा तो एक आइडिया से नहीं आ रहा तो दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा लगाओ, तीसरा नहीं आ रहा तो चौथा लगाओ, ये चीज गड़बड़ कर। तो इसको कैसे, उपाय क्या करें सर? उपाय तो मैंने कहा ना, सिचुएशन, कुंडली, जब तक हम कुंडली का पूरा विश्लेषण नहीं कर लेते। हमारे YouTube चैनल पर भी बहुत सारे दर्शक अपनी ये एक पॉइंट लिख देते हैं कि मेरा ग्रह फलानी जगह पर है तो इसका क्या परिणाम, और मैं उसका जवाब नहीं दे पा कि मेरे पास डाटा ही क्लियर नहीं है। पॉइंट समझे ना, मेरे पास डाटा ही नहीं है पूरा। कल को हो सकता है जो ग्रह को मैं कमजोर समझ रहा हूं हो सके वो ताकतवर हो, जिस ग्रह को मैं ताकतवर समझू हो सके कमजोर हो। आज मैं रात को एक क्लास में और भी कंसेप्ट, क्योंकि आपको मालूम है आप प्रेडिक्टिव टेक्निक चल रही है इस समय, तो मैं कराऊंगा उससे और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक हम ज्योतिष में ग्रह की स्ट्रेंथ निकालना नहीं समझेंगे, चाहे आप लाल किताब में चले जाओ, चाहे वैदिक में चले जाओ, चाहे केपी में चले जाओ, सबका एक ही सूत्र है प्रेडिक्शन करने का। पहला स्टेप, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लैनेट। जो लोग केवल ग्रह को भाव में बिठा के वो ग्रह वहां बैठा है वो उसको देखता है, वो उसके धूल में लट है, लग गया तीर नहीं तुक्का। आप सभी को फोकस एक ही पॉइंट पर करना चाहिए कि ग्रह की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने की टेक्निक को ही सीखना है, उसी का अभ्यास बार बार करना है। जितना अभ्यास आप इस चीज पे करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज ना तो प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाओगे ना ही प्रॉब्लम की सीवियरिटी को डायग्नोज कर पाओगे। तो सीवियरिटी चेक करना बहुत जरूरी है। एक आदमी आता है आपके पास कहता है जी मैं बीमार हूं, अब बीमार तो 80% जनता है, तो कितना बीमार है, 2 दिन में ठीक होने वाला बीमार है, 10 दिन में ठीक होने वाला दिन है, 15 दिन में ठीक होगा, महीने में होगा, 6 महीने में होगा, नहीं होगा, तो सीवियरिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना। ये सीवियरिटी हमें हमारी कुंडली ही बताएगी। और सीवियरिटी कैसे पता लगेगी, जो ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है वो ग्रह हमारा कितना खराब है, किस शक्ति के साथ उसने शक्ति लूज की है। सिंपल है,
लाल किताब का कंसेप्ट है, जो ग्रह कमजोर होगा वो रोग देगा, जो ग्रह कमजोर होगा वो ही ग्रह बीमारी देगा, जो ग्रह ताकतवर होगा वो बीमारी नहीं देगा। सिंपल कंसेप्ट है, और हमें स्ट्रेंथ निकालनी नहीं आती, हम भाव में ही घूम रहे हैं। अरे बुद्ध स्किन की प्रॉब्लम हो गई, बुद्ध तो मेरा सातवें में बैठा है, कोई पूछ रहा आठवें में बैठा है, कोई दसवें में बैठा। भाई बैठा रहने दो, क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। अच्छा फिर कह देंगे, अच्छा मंगल दृष्टि दे रहा है जी, ये तो मुहासे हो गए। अरे मुहासे तो एक ही उम्र में ही होंगे, सारी उम्र मुहासे थोड़ी रहेंगे, सारी उम्र पिंपल्स थोड़ी आते रहेंगे। अब यंग बच्चा है उसके बेचारे के, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं भी बन रहा तो भी पिंपल्स आ जाएगा। मंगल अगर नहीं टक्कर मार रहा बुध को या नहीं देख रहा उसके, फिर भी पिंपल्स आ जाएंगे, क्या करोगे? इट्स ए इश्यू ऑफ हार्मोनल चेंज। और लग गया तो हम, अरे देखा वाह, मंगल की दृष्टि ने ना बुध को देखो, बिल्कुल एकदम सटीक मार दिया मैंने, एकदम सही आ गया। तो ये सिर्फ एक केवल भ्रम जाल है। मैं एस्ट्रो पाठशाला के सभी स्टूडेंट से कहता हूं, धैर्य के साथ ज्योतिष सीखे, जल्दबाजी में ज्योतिष ना सीखे। इसको बीरबल की खिचड़ी बना करके सीखेंगे वो उतना बढ़िया कामयाब, जो जल्दी जल्दी पकाने के चक्कर में रहेगा अध कचरा ज्ञान लेकर के, पहले तो लोगों को परेशान करेगा और फिर एक दिन खुद परेशान हो। खुद क्यों होगा? क्योंकि उसको सेल्फ डाउट हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है, सूत्री काम नहीं कर रहे मेरे। तो वो या तो ज्योति छोड़ के भागेगा या कसम ही खा लेगा, जैसा चल रहा चलने दो, मैं तो नहीं सुधरूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे कोई भला किसी का नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत सहज भाव से एक एक बिंदु को सीखना जरूरी है। अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपको आ गया, आप दोबारा कीजिए। एक बार पुस्तक पढ़ने पे पुस्तक थोड़ी आ जाती है, हमें 3 बार पढ़नी पड़ती है, 5 बार पढ़नी पड़ती है, और बेस्ट बुक वही होती है जिसको आप कम से कम 20 बार पढ़ते हैं, वही बेस्ट बुक है। मेरी लाइफ की जो भी बेस्ट बुक है, जो मुझे पसंद आई है, वो मैंने 15 बार 20 बार और कई तो 50 बार पढ़ी। वही बुक हमें हेल्प करती, क्योंकि वही बुक हमारे दिमाग में रह जाती है, यार ये तो फलाने चैप्टर में फलानी जगह फलाना सूत्र ये वहां मिलेगा। जैसे मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ ना, कोई कहता है गुरुजी ये वाला टॉपिक कहाँ से, अरे फलाने बुक के अंदर फलाना वहां से उठा लो, कहते नहीं बड़ा याद है। अरे याद क्या, वो बुक ही 20 बार पढ़ ली। अब एक बार पढ़ी हुई बुक के बारे में मैं तो बोल ही नहीं सकता, उस समय तो राइटर भी याद ना रहे एक बार दो बार में। तो ऐसे ही आपका ये लाल किताब है चाहे वैदिक है, दोनों का सीखने का प्रोसेस सेम। और बहुत सारे लोग इन्हीं में उलझे रहते हैं, मैं उलझो मत सुलझो, आप ज्योतिष सीखने आए हो, उलझने नहीं आए हो, सुलझने आए हैं। भगवान का नाम लेकर के सूत्रों को सीखो, बड़े आराम से सीख जाओ, निश्चित रूप से सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सीख गए, आप भी सीख जाओगे, हम अभी भी सीख रहे हैं, और जैसे जैसे सीखते रहते हैं वैसे वैसे बताते रहते हैं आप लोगों को। कोई नई चीज मेरे दिमाग में आती है, कोई नई चीज हम सीखते हैं और हमें लगता है बहुत बढ़िया है, ये विद्यार्थियों को बतानी चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, ये सारा उधारी ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान जो है सारा उधारी ज्ञान है, ये कोई मेरा माई बाप का ज्ञान नहीं है कि साहब इसको हम बचा के रख ले, है ना, मैं बचा के रख के करूंगा भी क्या, उसका कोई लाभ नहीं। मैं तो खुद उधार में डूबा पड़ा हूं, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लोगों से मैंने ये ज्ञान लिया होगा, कोई सदगुरुओं का आशीर्वाद मिला होगा तो दो अक्षर समझ में आते हैं, तो ये उन्हीं का ज्ञान है, ये उन्हीं का आप लोग बांट देते, सिंपल सी बात है। अच्छा जिसका भाग्य होता है वो लूट लेता है, जिसका नहीं होता वो वैसा का वैसा रह जाता है, वो अपने ही उलझनों में उलझा रह जाता है ना। चलिए हाँ रेणु दुबे जी, अरे आ रही है पानी पकड़ाई, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपने मतलब तो मैंने एडवांस लाल का कोर्स किया है आपके से, तो मुझे उसमें एक आपका वीडियो देखा था, तो उसमें आपने बताया जैसे मंगल बध होता है और
गुरु भी, जैसे आपने बताया कि गुरु और कमजोर है तो उसके लिए हमें मित्रों की सहायता लेनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन अगर मित्र भी कमजोर हैं फिर क्या करें सर? देखिए, जैसे मंगल पद है। हाँ जी मित्र कमजोर हैं तो मित्रों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। जो भी ग्रह है उसको ताकत देनी चाहिए, पर ताकत एक साथ देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको धीरे धीरे अभ्यास से आएगा कि मैं किस मित्र की सबसे पहले मदद लूं। जी अगर चंद्रमा कमजोर है हाँ तो जी सबसे ज्यादा जो आपको तुरंत सहायता देगा वो सूरज देगा। जी सिंपल भाई, चंद्रमा का प्रकाश कहां से आ रहा है? चंद्रमा का प्रकाश सूरज से आ रहा है। सूर्य। वो अल्टीमेट गीवर है और वो मूड के लिए लामबंद है। जैसे एक बाप अपने बेटे को लिए को देने के लिए लामबंद है कि भाई मैंने तो देना ही देना है छोरे ने। जैसे कई बार 50-60 साल की उम्र के बाद या 70 साल की उम्र के बाद अक्सर माँ बाप हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं, यार सब कुछ इसी का है, अब औलाद का ही है, अब क्या इसको हम नहीं देंगे तो हमारे मरने के बाद इसी का है, लेना तो इसी ने पटे, अब तो देना तो पड़ेगा ही, अब जिद कर रहा है, चलो दे दो भाई। पर हम दे देते, क्यों दे देते हैं? ये कोई कानून में थोड़ी लिखा है कि आपने देना ही देना। कहीं हिंदुस्तान के संविधान में थोड़ी लिखा है कि बाप ने बेटे को देना ही देना है, कहीं नहीं लिखा। वो तो कहता अपनी मर्जी से किसी को उठा के दे जाओ, परंतु वो देता है, ये नेचुरल है। इसी तरीके से सूरज चंद्रमा को नेचुरली रोशनी देता ही देता है। तो पहली मदद मांगो सूरज से। सूरज क्या है? आपका कॉन्फिडेंस, और चंद्रमा आपका वीक था, तो क्या था? मन हिला हुआ था, मन अशांत था, मन परेशान था, और मन परेशान था। जब भी मन परेशान होगा, ध्यान रखना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब भी मन में अशांति होगी आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जो भी मानसिक रूप से त्रस्त होगा किसी भी रूप से, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अब जैसे ही आप सूरज को ताकत दोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा दो या मन की ताकत बढ़ा दो, बात एक ही, दोनों एक सेट आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा दो, जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे फलानी बीमारी है और कोई उसको कहते जा तेरी ये बीमारी है ही नहीं, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, इस टेस्ट रिपोर्ट में तेरी ये बीमारी है ही नहीं जो तू सोच के बैठा था। अब उसका फिर कॉन्फिडेंस देखो, जाते ही गोलगप्पे खाएगा बाहर है। नहीं तो जब तक विचार बनाता रहता है, आज से ये भी छोड़ दूंगा, चाय छोड़ दूंगा, कॉफी छोड़ दूंगा, नॉनवेज छोड़ दूंगा, दारू छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वो सब कुछ छोड़ चुका होता है विचारों में कि भाई भगवान बस अब की बार बचा ले, सब कुछ छोड़ दूंगा है। और जाते ही फिर जैसे ही पता चले अरे ये तो कुछ है, जैसे किसी को कहते डायबिटीज, बोला नहीं नहीं ठीक है तेरी, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं, टेंशन मत ले है। वो जाते फिर हलवाई की दुकान पे जलेबी खा के आएगा घर पे है कि अरे वो तो है ही नहीं, मैं तो कुछ का कुछ सोचे बैठा था। तो ऐसा ही है ये सूर्य और चंद्रमा का खेल। सूर्य चंद्रमा चंद्र मन को शक्ति देता है, सूरज हमारे आत्मा को बल देता है। आत्मा के सर बल को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी सर सर मंगल सूर्य चंद्र के साथ राहु बैठा तो इन तो तीनों का राहु ने देखो, धुआं अब निकाल बैठा दिया। है तो वो आपका पर्सनल वो है, वो पर्सनल डिस्कशन हो जी जाएगा, सर है ना? आप सूत्र नहीं पे नहीं बात सर, जैसे आपने सूत्र। बताया था, जी सर जैसे आपने बताया था वीडियो में कि मतलब सारे सभी का धुआं निकाल देता है राहु, और आपने फिर किस्मत का ग्रह बताया, जैसे किस्मत के ग्रह से टक्कर लग रही हो, और जैसे गुरु के लिए गुरु किस्मत का ग्रह आया तो अगर उसको टक्कर लग रही हो तो सर क्या हम एक से ज्यादा उपाय भी कर सकते हैं बिल्कुल गुरु के बिल्कुल लिए? बिल्कुल। देखो, जो भी किस्मत का ग्रह होता है अगर वो कमजोर होगा जी सर तो इसका सभी तरह मतलब से। है, जी सर समझे, टक्कर भी लग गई तो कमजोरी हुआ ना। जी सर आप एक नई गाड़ी शोरूम से निकलवा करके लेके आए, बेशक जी उसने एक छोटी सी टक्कर बाइक वाले ने मार, एक थोड़ा जी सा खरोंच आ गया, जी सर तो आपका दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा कि अरे यार 15 लाख की जी गाड़ी सर निकलवा के लेके आए, इस बाइक वाले को भी अभी आना था, है ना, जी इसने सर टक्कर मार दी। अब बेशक वो उस डेंट को निकलवा दे 2 मिनट में, फिर भी आपके दिल पे तो डेंट लगी, आपका वो भूलेगा नहीं, दिमाग से डेंट नहीं निकलेगा।
और गाड़ी का डेंट तो निकल गया, अपना डेंट नहीं निकलता, क्यों ऐसा हो? इसी तरीके से जो भी ग्रह किस्मत का है या किसी भी तरह का, अगर वो किसी से भी डेंट खा गया, किसी भी ग्रह से, किसी भी कारण, चाहे वो गलत भाव में बैठा है या गलत ग्रह की दृष्टि में आ गया है या किसी से टक्कर खा गया है, उसको डेंट लग गया। डेंट लगने का मतलब कमजोरी आ गई। जो भी ग्रह कमजोर होगा फिर वो अपने पूरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। हम एक आइडियल सिचुएशन को लेकर के चलते हैं और फिर उसी से मापना लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि जो किस्मत का ग्रह मिल गया ना हमें, बस अब ये ग्रह तो देगा ही देगा। भाई उसकी कोई गारंटी नहीं, वो देगा, वो जब ही देगा जब उसमें ताकत होगी, बलाबल होगा, जब उसकी सिचुएशन होगी। अब मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि जी हमने आपका वीडियो देखा और हमारा जो है किस्मत का ग्रह गुरु है, पर हमारी गुरु की दशा तो बहुत खराब गई, हमें तो कुछ मिला नहीं उसमें, बल्कि तकलीफ हो गई। अच्छा भाई गुरु कहाँ बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है? कहता है गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं। अरे भाई गुरु राहु एक साथ बैठे हुए, अब गुरु की दशा क्या रिजल्ट देगी, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मतलब ये है कि भाई राहु बैठा है, उसको राहु कंट्रोल कर रहा है, या गुरु की जड़ के अंदर राहु बैठ गया। अब गुरु की जड़ में राहु बैठेगा तो, और गुरु की दशा भी चल जाए और किस्मत का ग्रह भी आपका गुरु है, तो भी परिणाम नहीं मिल रहे। अब एक बड़ी अच्छा मैं उदाहरण देता हूं, अगर चौथे भाव में गुरु उच्च का बैठा है और 12वें भाव में राहु बैठा है, जी सर, ये तो बिल्कुल एक्सीलेंट ठीक एग्जाम्पल है कि उस व्यक्ति को गुरु के अच्छे परिणाम नहीं मिले। नहीं। हो सके उसे बड़ा घर ना मिले, हो सके उसे बड़ी नौकरी ना मिले, हो सके उसे बड़े अच्छे अच्छे अवसर ना मिले। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ में राहु बैठ गया, और जड़ में जब राहु बैठा है गुरु की जड़ में, तो उसने गुरु को हाल खराब कर दिया। राहु का मतलब ऐसे समझना, राहु का मतलब हवा, हवाई। ऐसे लाल किताब बड़ी अच्छी जगह एक जगह लिखती है राहु के बारे में, राहु मतलब हवा, हवाई ख्याल। तो गुरु किस पे खड़ा है, गुरु की इमारत किस पे खड़ी हो गई, हवा, हवाई ख्याल हो। हवा अब जिस भी गुरु ग्रह की हवा, हवाई ख्यालों में इमारत खड़ी होगी, वो गुरु बेचारा टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा, में वो नहीं टिक पाएगा, जी तो उसको सर, परिणाम अच्छे कैसे मिलेंगे? तो ये जी डीप विश्लेषण का विषय है, धीरे धीरे आ जाएगा। गुरुजी प्रणाम। जी सिद्धार्थ जी सर, हैंड रेज करो, अच्छा बाकियों ने भी कर रखे। हैंड सर, तो इसके लिए एक रेज से ज्यादा उपाय नहीं, इधर साधना कर रिएक्शन के सकते? पास है ना, हैंड रेज करने का होता है, तो मैं ठीक उसको कर दो, है ना, मैं सभी के पास हूँ। महिलाएं जल्दी नाराज हो जाती, इसलिए मैं उनको टाइम देता हूँ कि कहीं नाराज ना हो जाए, तो इसलिए आप लोग धैर्य पुरुष हैं, आप चिंता मत करें, आ रहा हूं सभी के पास। हो गया रेणु जी? सर, इसके लिए गुरु के लिए, डेंटेड गुरु के लिए जो हर तरफ से धुआं निकालता है राहु, तो उसके लिए हम एक से ज्यादा उपाय साथ में कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जी अकॉर्डिंग टू सर, सिचुएशन आप एक से ज्यादा उपाय कर सकते ये हैं। अगर किस्मत सबसे का ग्रह पहले तो आता है तो जो राहु अगर जड़ में बैठा हुआ, तो जड़ को ठीक करने का काम करो, है ना, जी सर, वो चीज है। जी तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सर, हाँ किरण नमस्कार जी, सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, लाल किताब से हमें किसी की शादी का भी देख सकते हैं, कब हर चीज होगी? देख सकते हैं किरण जी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर लाल किताब से नहीं दिया जा सकता। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? वो तो मैंने क्लास में भी बताया, है ना, शादी का तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड विषय है, वो पूरा 1 घंटा लगेगा उसमें। ओके सूत्र पे सर, बात करो अभी, तो आपको सूत्र नहीं समझ में आ रहा, उस पे बात करो, है ना। ठीक है सर। हाँ अभिषेक जी सर नमस्कार नमस्कार। सर, एक क्वेश्चन जो हमेशा ये दिक्कत आती है, किसी घर में अगर किसी भाव में अगर 3 या 4 ग्रह बैठ जाए तो उसको सर कैसे, उसका कैसे एनालिसिस करते हैं? अभिषेक जी, ये मेरे सामने हर क्लास के अंदर यक्ष प्रश्न होता है, और ये बहुत ही आसान है, आपको क्लास में भी करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। 3 ग्रह इकट्ठे हो जाएं, 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएं, उससे बिल्कुल मत घबराइए,
मेरे पास उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, आपको भी क्लास में बताया जाएगा, उसमें आ जाएगा, चिंता ना करें, क्योंकि इसको पूरा समझाना पड़ेगा मुझे डिटेल में। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर बुध और सूर्य एक साथ अगर हो तो बुध तो बुध की ताकत तो खत्म हो जाती है, सूर्य सूर्य के साथ थोड़ी सूरज और बढ़ती है, बुध साथ हूं तो बहुत अच्छा होता है। मंगल बल जो है ना खत्म हो जाता है। नहीं, सूरज बुध अगर साथ होंगे तो बहुत अच्छा है, ये एक इंटेलिजेंसी का योग है, ये खराब योग नहीं है, अच्छा योग है। सर अगर सिक्स हाउस में हो तो बुध वहां पे उच्च का होता है, लेकिन सूर्य तो सूर्य मंदा हो जाता है सिक्स हाउस कोई में। बात नहीं, सूरज मंदा हुआ है, सूरज बुध अगर छठे में हो तो व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ही अलर्ट, बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ होता है। नुकसान एक ही है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि केवल अपने बारे में ही सोचता है और अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है बस, वो दूसरों के बारे में कम सोचता है। उसके पीछे रीजन ये है कि सूरज मंदा हो गया। जिस भी व्यक्ति का सूरज अच्छा होगा वो आम जनता के बारे में सोचेगा, जिसका सूरज मंदा होगा वो अपने बारे में सोचेगा। देखो, सूरज मंदा और सूरज ताकतवर का एक ही कंसेप्ट है, सूरज जितना शक्तिशाली है आपके चार्ट में होता चला जाएगा, उतना आप लोगों के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में जो है सोचते चले जाओगे, उनके लिए करते चले जाओगे। सूरज जितना मद्दा होता जाएगा व्यक्ति, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, उसके ज्यादा उसका दिमाग नहीं, वो कहेगा मुझे सोसाइटी से क्या लेना देना यार, हमारे कौन सा राशन पानी दे के जाएंगे सोसाइटी वाले, हमें कोई लेना। तो वो सेल्फ सेंटर्ड कह देते हैं ऐसे लोगों को हम, या निज स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य करने, सिंपल। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, कल सर आपका वीडियो मैंने देखा था, लाल किताब मकान कुंडली का, बहुत ही क्या जबरदस्त देखा? वीडियो, लाल किताब मकान कुंडली का आपने जो डाला था, बहुत ही बढ़िया वीडियो था सर। मेरे पास चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, लाल किताब मकान कुंडली का मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है सर, इसमें सेकेंड घर जो नॉर्थ वेस्ट होता है, सेकेंड हाउस, इसका लॉजिक समझना सर कि इसका लॉजिक जो है ना, चंद्रमा चूंकि उच्च का होता है ऐसा तो इसलिए होता है क्या, चंद्रमा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है और चूंकि चंद्रमा दो में उच्च का होता है इसलिए 2 नंबर उसका माना गया है। हाँ बिल्कुल, वही लॉजिक, वही लॉजिक। जैसे तीसरा में तीसरा घर मंगल का होता है इसलिए वहां पे मंगल साउथ होता है, तो मंगल मुझे लगता है यही लॉजिक होगा तो इस हिसाब हाँ से। यही है, यही है, बिल्कुल यही है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हर्षवर्धन जी हम गुरु जी, प्रणाम। अच्छा मेरे थोड़े जनरल क्वेश्चन है सर, बहुत दिन, एक तो जनरल जनरली के ही बोलते जवाब बढ़िया है, जनरल के ही जवाब मिलेंगे। जनरली सर बोलते हैं कि अगर सूर्य कमजोर हो तो मुंह में पानी आता है। वो ज्यादा कमजोर, हर्षवर्धन जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुंह से पानी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लार थोड़ी सी निकलती है, जब वो सो करके उठते हैं उस समय उनको पता चलता या जैसे लगातार लोगों के मुंह में पानी आता रहता है वो भी वही रीजन होगा। है। नहीं, मुंह में पानी आना नेचुरल प्रोसेस है, सलाइवा हमारे अंदर बन रहा है। अब किसी को टेस्टी टेस्टी फूड दिखाओगे मुंह में पानी आ जाएगा, है? किसी को मनपसंद चीज दिखाओगे मुंह में पानी आ जाएगा, ये सूर्य की कमजोरी, ये तो इसका नेचुरल है हर क्या इंसान। क्या उपाय कर सकते हैं सर इसका? नहीं देखो, मैंने वो एक लक्षण बताया था जरूर, कि सूरज की कमजोरी का एक लक्षण, हाँ अक्सर वो उल्टे होकर के सोने की कोशिश ज्यादा करेंगे, और जब सुबह उठेंगे तो हल्की सी लार उनकी यहाँ से निकलेगी। वो एक हर एक के साथ नहीं होता, वो किसी किसी के साथ होता है। प्लस ये एक बहुत छोटा सा लक्षण है, मैं हमेशा कहता हूँ बड़े लक्षणों को भी पकड़ो। अगर सूर्य की कमजोरी के निष्कर्ष पे पहुंचना है तो मात्र इस लक्षण से ही नहीं, और अन्य लक्षण पकड़ लो, पिता के साथ संबंध कैसे हैं, अपने बॉस के साथ कैसे बनती है। आप अभी अभी एक सूरज मध्य का मैंने निशानी बताई आपको, कि वो व्यक्ति खुद के हित की ही बारे में सारा दिन सोचता है, दूसरों के लिए उसके कोई ऐसा नहीं समय निकालता है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनको जब ये 5-6 लक्षण इकट्ठे मिल जाएं तो समझ लो कि सूरज मंदा है। अच्छा सर एक और है क्वेश्चन, इसमें अगर किसी एम्प्लॉय का जैसे हाथ कट जाता है
काम करते हुए, अगर मतलब पंजा अलग हो गया तो कुछ इसका कारण होता है सर? हाँ, ये जो अंग भंग जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसके लिए केतु ग्रह, मंगल ग्रह जिम्मेवार होता है। तो हमें ये देखना चाहिए, केतु ग्रह और मंगल ग्रह को देखना चाहिए, उससे ये चीजें पता चलती। तो केतु मंगल मतलब कहने के मतलब उस समय खराब होंगे या उग्र होंगे? खराब खराब, बिना खराबी के कोई ग्रह नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। एक और है सर, जैसे कमजोर ग्रह का जो होता है जनरली हम बोलते हैं दान करें, दान करें या उसको ग्रहण करें अगर उसको मजबूत करना है? देखिए, दान करने से ग्रह शुभ भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर ही होता है। कमजोर करने के लिए दान नहीं, बल्कि उसको शुभ बनाने के लिए दान किया जाता है, ठीक है। पर कुछ विशेष मात्रा में चीजों को, ग्रह की चीजों को लेकर के जल प्रवाह कर देना या कंटिन्यूस दान करना, फिर ग्रहों को कमजोर कर सकता है, फिर ऊर्जा को कम। जैसे शनि ही कमजोर है तो अगर हम जैसे मंदिर में जाते हैं, चलो हमने चने बनाए, चने लेके बांट दिए, वो चाय पिला दी हमें, जैसे आपके आपने बताया था हमें आपको, तो आपकी चीजों को जिस तरह से करते हैं तो क्या है, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या पॉजिटिव रहेगा? नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट रहता, नेगेटिव नहीं रहता, खास करके अगर शनि कमजोर है तो। हाँ, शनि पे तेल चढ़ाना है अगर करना है तो वो कमजोर कर देगा उसको। नहीं, ये देखिए, ये नेगेटिव इम्पैक्ट, देख, एक तो क्या है कि शनि चाहता क्या है आपसे? शनि चाहता है कि आप लोगों को सर्व करें, आप लोगों को सेवा करें, सेवा कार्य शनि से जुड़ी हुई है, और उसमें हम गरीबों को देने की बात को कर देते हैं। और सिंपल सी बात है, आप किसी अमीर आदमी को फ्री में चाय भी पिलाएंगे, वो क्यों पिएगा? आप उन्हें चने खिला के देखिए, वो बिल्कुल नहीं लेगा, आपसे हाथ भी नहीं लगाएगा, वो कहेगा नहीं किसी और को, मैं तो लूंगा ही नहीं, तो वो तो लेगा नहीं। जिन लोगों का शनि कमजोर है वो ही चीजें को लेंगे, ये भी ध्यान रखना एक चीज, जिन लोगों का शनि कमजोर है वो ही उन चीजों को खाएगा। अच्छा, हाँ, ये देख लेना, जिनका शनि मजबूत है वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप चालवा रख के दे दो उसके साथ। नहीं जनरली बांटते तो ऐसे लोगों को ही है कि जो मतलब डिप्राइड है, जिस तरह के लोग हैं, या मैं जैसे मेरे एम्प्लाईज जी, हैं। मैंने कहा ना, चलते आप भंडारा खूब लगा लो, रुकेगा वही जिसका शनि कमजोर होगा, खाने के लिए तैयार वही होगा जिसका शनि कमजोर होगा। बोलते हैं शनि भंडारे अगर, के कभी भी रहा, चलते भंडारे पर रुकने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो वही रुकेगा जिसका शनि कमजोर। तो ये भी बोलते हैं अगर शनि अच्छा हो तो भंडारा नहीं लगाना चाहिए इस तरह से एम्प्लॉइज वगैरह के लिए, मतलब जैसे कमजोर लोगों के लिए। बिल्कुल 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 गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, टोटल रोंगे। कहाँ लिखा है मुझे बताना, एक बार लिखा हुआ कहीं दिखाना। सुना है सर, तो इसलिए नहीं, आजकल आजकल बहुत सा गुरु ज्ञान मिलता रहता है सर, तो इस तरह नहीं, से आजकल गूगल यूट्यूब बहुत है सर। लोग हाइप क्रिएट करने के लिए कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं, ध्यान रखना, देने वाला और लेने वाला, देने वाला तो मजबूत होगा ना, जब ही तो देगा। बिल्कुल होगा। हाँ अब हम कहते हैं कि जिसका शनि अच्छा है उसके पास धन की कोई कमी नहीं, अब भंडारा लगाएगा कौन? भंडारा तो वही लगाएगा जिसके पास धन की कमी नहीं। अब बिल्कुल एक बेचारा जो 20,000 रुपया 25,000 रुपया महीना नौकरी कर रहा है, अब उसको हम कह दे भाई भंडारे लगा, तेरा शनि कमजोर है, वो कहेगा जी मेरी तनख्वाह तो इसी में चली जाएगी, मेरा तो और भी शनि कमजोर हो जाएगा। है तो वो तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमें उपाय करते समय हमेशा रखनी चाहिए। अगर जिन लोगों के शनि मजबूत होते हैं, या तो वे उच्च स्तर की नौकरियां करते हैं, या उनकी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, उनके उद्योग धंधे लगे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब ही तो पैसा आएगा। एक तरफ तो हम कहते हैं शनि मेटलिस्टिक प्लेनेट है, हमें जीवन में मेटलिस्टिक चीजों का आनंद देगा, हमें हर तरह का मेटलिस्टिक सुख देगा, तो वो बिल्कुल आएगा कहां से? सुख सुख तो पैसे से आएगा। अब मेटेरियलिस्टिक चीजें तो पैसे से आएंगी, इसका मतलब वो पैसा बहुत कमा, जो बहुत पैसा कमा रहा है पैसा देगा। अब मुझे बिल्कुल एक सज्जन आए गुरुद्वारे में, ऐसे ऐसे लोग हैं
जो लाख लाख रुपए दान कर जाते चुपचाप, किसी को पता नहीं चलने, वो कौन सा लंगर खाने आते हैं रोज, उनसे पूछो। वो सिर्फ पैसा देने ही आते, वो लंगर खाने भी नहीं आते। और अगर उन्होंने थोड़ा बहुत लिया तो उसको प्रसाद समझ करके लेकर के चले जाते और चुपचाप अपने झोली में डाला और अपने चल। और जो रोज लंगर में की लाइन में लगा हुआ आदमी है, जो रोज खाने के चक्कर में पड़ा हुआ, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास खाने का रोजगार नहीं है, उसके पास भाई शनि की कमजोरियां क्या है, या उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, कहते हैं ना गरीबों का मसीहा, गरीबों को मसीहा का क्या मतलब। जिनके पास लाइफ में शनि ग्रह खराब है, उन्हें इस जन्म में भूख का, गरीबी का सामना करना पड़ता। जिनका शनि अच्छा है, उनको भूख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान ने उन्हें इतना कर्मठ बनाया है कि उन्हें भूख और गरीबी का सामना नहीं करना। तो ये चीज अगर कहें तो उसको पूरी लाइफ रहेगी गरीबी, या जैसे बचपन में गरीबी रही और आगे ठीक हो गई? नहीं, वो तो ठीक होती रहती है, आदमी इंप्रूवमेंट भी तो करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान ही एक ऐसा जीव है इस संसार में जो इम्प्रूवाइजेशन हमेशा करता रहता है। भगवान ने अगर उसको बुद्धि दी है तो, मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दूं, अगर बुद्धि नहीं दी है तो बात अलग है, नहीं वो इम्प्रूवमेंट ऑलवेज करता ही रहता है अपनी लाइफ। तो मीडियम लोग या लोगों को जिनका मीडियम शनि है उनको इस तरह की चीजें करनी चाहिए और प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि हर एक देखो आदमी का तो शनि ज्यादा अच्छा होता नहीं है, मतलब देखो, मीडियम लेवल में आगे। शनि को अच्छा बनाने के लिए जब तक आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाते अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट कि आप लोगों की मदद कर सके, जब तक आपका शनि अच्छा होता भी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30,000 रुपये महीने कमाता है, तो मात्र उसको 1,000 रुपये का टारगेट रखना चाहिए एक महीने में, 500 रुपये का टारगेट रखना चाहिए उसको। जो भी उससे बन पड़े ना, वो 500, 1,000 रुपये का टारगेट रख करके कुछ चीजों को बांटने का कार्य करते हैं, जो भी उसकी कुंडली अलाउ करती है। आप देखेगा कि उसका शनि अच्छा होता चला जाए। वो इसमें खाने की चीजें करें या कुछ जो नीड वाली चीजें हैं वो करें? देखो, भूख और गरीबी शनि से आई, इसीलिए खाना भोजन देने की हमारे यहाँ पर व्यवस्था, भाई बाकी काम सब बाद में, पहले अगले को रोटी तो दो, उसको सरवाइव करना, उसको खाना तो दो, पानी तो दो उसको, बाकी तो वो काम बाद। सिखिज्म में की बहुत बड़ी ये ब्यूटी है कि एक तो सेवा कार्य और ऊपर से भूख को मिटाने का जो कार्य अद्भुत तरीके से जो किया जाता है, वो गजब का है। होना तो ये चाहिए कि हमारे देश के सभी मंदिरों में गुरुद्वारे की तर्ज पर भोजन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप देखिएगा कि ये देश इतना तरक्की करेगा। और सरकार को ये फालतू फंड की ये योजनाएं करने की जरूरत नहीं है, केवल इन मंदिरों को फ्री कर दे और मंदिरों के ऊपर कानूनी रूप से ये कह दिया जाए कि भाई ये अन्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जो भी मंदिर होगा वो अन्य क्षेत्र होगा, वहां खाना मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो गरीबी तो वैसे ही, मतलब भोजन वाली जो व्यवस्था है जो है, इनको डिपो डापो करके ये जो चोरियां चारियां करते रहते हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट ले करके, और पीडीएस, पीडीएस होता है पुअर पीपल के लिए, जो हमारे यहाँ पर अनाज आता है वो भी सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो उसमें भी नेता और नेताजी के गुर्गे जो है अपना कुंडली मार जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अन्य क्षेत्र घोषित करने से, कि जहाँ भी कोई मंदिर होगा, कोई गुरुद्वारा होगा, वहां जाके व्यक्ति अच्छा। किस चीज पे तो ये देश पास के कल्चर का भी एक हिस्सा वीडियो होता है, बनाता हूँ। वो भी हमें समझना होगा, देश भी तरक्की जब ही कर। धन्यवाद गुरु जी, आपसे मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा। ये पर्शियन क्लास में आपसे मैं पहली बार जुड़ा हूँ, तो आशा करेंगे आगे में अच्छा लगता है। आपके यूट्यूब पे वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, तो आजकल तो थैंक यू, बहुत सक्रिय हो गया हूँ, बहुत से नोट्स थैंक बनाता यू, हूँ मैं। धन्यवाद बहुत बढ़िया। गुरु जी, धन्यवाद। हाँ सिद्धार्थ जी, अब बताइए। गुरु जी प्रणाम। अरे गुरु जी, एक तो ये जो चर्चा चल रही थी इसी से एक थोड़ा संशय हो गया। जैसे कई मंदिरों के ट्रस्टीज हैं, मतलब हम ट्रस्टी हैं, तो वहां भंडारे की सेवा मतलब मांग के ले लेते हैं,
हैं अभी अन्न का जो, तो गुरु जी उसमें जैसे कई बार चने की दाल है या चना है या कुछ है, उससे सब मतलब कुछ इफेक्ट पड़ता है भी? जैसे मेरे बृहस्पति देव गुरुदेव सपोज अच्छे हैं जी, तो मतलब ऐसे तो नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो कोई नहीं होता फर्क जी? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दान दो प्रकार का, सकाम और निष्काम। निष्काम हमारा रूप से दान जो भी आप कर दोगे उसका कोई साइड इफेक्ट जीवन में कभी भी नहीं होता। ठीक है जी, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और आपके मन की भावनाओं को समझता है। अगर आपका गुरु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, और अगर आपने गलती से 100 किलो पीली चने की दाल भी दान कर दी तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसे हम गलती नहीं कहेंगे, ठीक है बशर्ते आपकी कोई ऐसी भावना ना। अगर आप कहें कि मेरा गुरु ग्रह ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए और फिर आप दान कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि जी ठीक अब जहां पर भी आपकी इच्छा पूर्ति की बात आएगी वहीं पे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाएंगे। वहां पर आपके है ऊपर जो है ना जी पूरा वो नियम लागू हो जाएंगे सारे। जी तो गुरु जी जैसे मतलब उन अन्य क्षेत्रों में जैसे हमारे चावल की मिल भी है, तो चावल का भी बहुत बोल देते हैं भी, यहाँ चावल भिजवा दो, ये कर दो, तो उससे कोई नेगेटिव कुछ नहीं ना? नहीं कुछ अच्छा नहीं, जी कुछ नहीं, नो ठीक है। और नथिंग। एक गुरु जी जो मेन जिसके लिए मन में संशय था, जैसे एक धनु लगन की कोई कुंडली है और उसमें अभी आप कह रहे हैं 9वें घर में बृहस्पति देव मतलब इतने अच्छे नहीं रहते, अब वो तो उन्हीं का मतलब वो एक लगन हो गया, और नहीं नहीं वहां नहीं पर सिद्धार्थ जी, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे नहीं रहते, मैंने जी कहा साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो ठीक है जी साइड इफेक्ट ये है कि आई नोज एवरीथिंग। ठीक है जी इंसान की बुद्धि है, अगर उसको पता चल गया कि यार ये भावना मेरे अंदर जो आती है ये इस वजह से आ रही है, उस भावना को छोड़ दे। ठीक है जी सिंपल सी बात है, उस भावना को छोड़ दे। ठीक है जी। और जैसे कहते हैं जी केतु, जो केतु देव हैं गुरु बृहस्पति के चेले हैं, और धनु लगन में 4 में आ जाए, तो लाल किताब 4 में केतु को मतलब अच्छा नहीं ज्यादा मानती वहां, लेकिन राशि बृहस्पति देव की है, मीन राशि बन जाएगी, तो मतलब वो क्या एक वो डाइसी सा हो गया, मतलब भी वहां पर केतु देव नहीं अच्छे डाइसी, हैं बुरे कोई डाइसी नहीं हुआ। डाइसी इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि आप वैदिक और लाल किताब दोनों को मिक्स मिक्स करके कर रहा रख हूँ गए हैं, जी। ठीक इसीलिए डाइसी लग रहा है। अगर आप है जी मिक्स नहीं करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी एकदम से। दिमाग जी में ये बैठ गया कि मीन राशि है तो और केतु मीन राशि में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये वैदिक का कंसेप्ट है, जी पर रिजल्ट वही रहेंगे ये हमेशा ध्यान अच्छा रखना। वैदिक में कंसेप्ट है डिस्पॉजिटर का, ठीक है जी अगर केतु चौथे भाव में बैठा है मीन राशि में तो वैदिक ज्योतिष कहता है डिस्पॉजिटर बना जुपिटर। वेयर इज जुपिटर प्लेस्ड? तो आप देखना कि जुपिटर की इक्वेशन चौथे भाव से कैसी है। ठीक है जी ठीक अगर आपकी 9वें भाव में बैठी है तो खराब होगी, तो है जी हाँ वैदिक ज्योतिष कहेगा ये तो षडाष्टक योग बन गया। जी हाँ जी हाँ केतु का डिस्पोजिटर अपने से षडाष्टक योग बना के बैठ गया, तो जी ठीक ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब चौथे से अगर डिस्पोजिटर अगर षडाष्टक योग बना के बैठा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि वो माँ को मन को कहीं ना कहीं खराब करेगा, हेल्थ बिगाड़ेगा। ये डिवाइन साइंस इसे हम क्यों कहते हैं, आप कहीं से किसी भी एंगल से घुमा घुमा के देख लो रिजल्ट वही आता। ऐसा कभी नहीं होता कि वो इसमें कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए, नहीं, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है इसका मतलब अभी हमारे पास सूत्र अभी आए नहीं है, आधे अधूरे हैं, अभी ये पूरा हमने सीखा नहीं, सिंपल और इससे ज्यादा कुछ। सर, हमें पता कैसे चलेगा कि शनि कमजोर है, हमें दान करना चाहिए? वो आपको कोर्स में बताया गया है बड़ा आराम से, उसमें पूरा समझाया गया, शनि वाला चैप्टर आप खोलेंगे ना उसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर केतु देव को वहां पे जैसे 4 में बैठे हैं, तो बृहस्पति देव को बल देना होता है या केतु देव को ठीक ऐसे करने तो के लिए देखना भी? पड़ता है ना कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ठीक है जी केवल खाम का ही बला बल देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है है ना? जी। फिर जब तक जैसे कोई चीज हमें मतलब परेशान ही नहीं कर रही है ना, तो ठीक है जी ठीक आपको उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। है। तो जी जैसे अगर ये सपोज बच्चे का होता है, तो हमारे वो संस्कार होता है वो करण वेद होता है, बचपन में ही करण वेद हो जाता है, जी, तो कान छेदन। हाँ जी, तो वो जैसे प्योर सोना वो सभी को फायदेमंद रहता है मतलब, या वो हाँ करण हाँ वेद बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। हाँ,
ठीक है, ठीक गुड, है गुरु। बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों के लिए बता दूं, हमारा एस्ट्रो पाठशाला फिर से 1 साल के लिए लाल किताब कोर्स लेकर के आ रहा है। ये 27 जनवरी से शुरू होगा। अगर आपके कोई जानकार जो लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं, उन्हें इस विषय में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ठीक गुरु जी, हम ही सीखेंगे। ठीक है। हाँ चंदन जी बताइए। सर, मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। सर ठीक है, बहुत अच्छी बात। म्यूट पर है चंदन जी। हाँ प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अभी वैदिक ज्योतिष सीख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपने जैसे बताया कि ग्रहों का बलाबल देखना जरूरी है सबसे पहले। हाँ सब में ही, सब में ही, सब में। वैदिक में ही नहीं, लाल किताब में भी, केपी में भी, कहीं चले जाओ। हाँ तो वो हम कैसे सीखें सर, मतलब उसके सूत्र एक जगह जैसे कहाँ मिलेंगे, मतलब ये तो उसके लिए बहुत क्लासेस में सारी किताबें सिखाए पढ़नी जाएंगे। पड़ेंगी, या आपका क्लास कोई कोर्स भी नहीं, नहीं है उस पे ऐसा? नहीं क्लास एक एस्ट्रोलॉजी नहीं। वाले में तो नहीं है ग्रहों का बलाबल का। आपने ऐप से लिया कोर्स, हाँ जी, कौन सा लिया है? बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाले। हाँ तो बेसिक में थोड़ी आ जाएगा ये, तो बेसिक में अच्छा तो राशियां भाव आएंगे। तो आपका आप एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, एडवांस हाँ एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन है, उसमें देखिए ना। एडवांस आपका है कोर्स सर? हाँ, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन के नाम से, अच्छा आर्ट आर्ट ऑफ ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, एडवांस आर्ट ऑफ अच्छा, प्रेडिक्शन, उसमें मिल जाएगा बलाबल, तो उन्हीं आप सूत्रों देखिए। पे पहले फोकस करें जिससे कि मेन पकड़ उस वहीं से आएगी। जी, अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए। और कौन रह गया? सर चलिए, एक ये हाँ तो राजन सोच बताइए। लिया हाँ बताइए। सर, ये आपसे कंसल्टेशन लेना चाह रहा था, ठीक तो है, ठीक वो बहुत दिनों से पता नहीं फिक्सअप नहीं हो पा रहा। 3 4 बार फिक्स भी हुआ लेकिन आप तक शायद इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, और हाँ आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाते थे, और मैं छुट्टी लेके भी बैठा हूँ 1 2 3 बार, लेकिन आप कहीं बिजी हो गए, फिर वो मिल नहीं पाया सर कंसल्टेशन। तो आज 2 बजे मिल सकता है क्या सर? नहीं, वो आपको एक बार मैं स्टाफ को बोल देता हूँ, आपसे बात करके फिक्स कर लेंगे वो ना। बोल भी नहीं रहे सर, मतलब कुछ मैसेज भी नहीं नहीं आ रहा, नहीं उन्होंने बताना चाहिए। आपका मैसेज दिया था कि आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, तो किस कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। कोई बात नहीं, अभी फोन आ जाएगा, है ना, चिंता ना। थैंक हाँ यू राजन जी। सर। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन राहु पे है कि किसी भाव में अगर 3 या 4 ग्रह हैं और उसके 9th हाउस में राहु है, तो राहु सबकी जड़ काटेगा, जितने भी जिनके भी जड़ में आ रहा है, 9th हाउस में आ रहा है जिनके भी। शत्रु ग्रह होंगे, ये ध्यान रखना, शत्रु ग्रह होंगे, सूर्य की, चंद्रमा की, गुरु की, मंगल की, इनकी जड़ काटेगा। इनकी जड़ काटेगा। और ऐसे में मतलब कि जैसे राहु का उपाय होता है कि मंदिर में सफाई की व्यवस्था करना, तो सब किया जाए तो सबको फायदा होगा। हाँ सबको फायदा। और एक गुरु जी, राहु मान लीजिए हमारे लगन में बैठा है, तो क्या ये भ्रमित कंडीशन पैदा करता है इंसान के लिए, कि वो भ्रमित रहता है और उसको स्वप्न जैसे जो होता है सिंपल कि सिंपल बहुत। है, सिंपल है राजन, मैंने क्लास में भी बताया है, जब भी लगन में राहु हो, लाल किताब से अगर आप चल रहे हैं, तो ये देखो कि कुंडली में सूर्य और मंगल के क्या हालात हैं। अगर सूर्य और मंगल ठीक हालात में हैं, तो राहु आपको कूटनीति बनाने का ज्ञान देगा, स्ट्रेटेजी बनाने की ताकत देगा, प्लानिंग बनाने की ताकत देगा, भ्रमित नहीं करेगा, आपको एक्स्ट्रा अलर्ट बना करके रखेगा। परंतु अगर सूरज और मंगल कमजोर पड़ गए, तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर तो ये पूरा भ्रमित करके रखेगा, टोटल कंफ्यूज्ड। और ये बुरे सपने भी देता है गुरु जी। हाँ ड्रीम्स, वो वाले ड्रीम्स जो बिल्कुल भी लॉजिकल ना हो, पर ये वो वाले ड्रीम्स की मैं बात कर रहा हूं जो हम नंगी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा, हाँ एक और आदमी कहता है कि मैं अपनी मेरा सपना है कि मेरी छत के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर आए, और चले हेलीकॉप्टर मेरी छत पे उतरे, तो बोला भाई मकान कितने गज का है? बोला 100 गज का मकान है। तो उसके ऊपर आया, अरे भाई ये तेरी छत हिल जाएगी, काम का है, क्यों उसको हेलीकॉप्टर को उतार रहा है ना? पर उसके ख्वाब है उसका, कि वो उसको नहीं पता, अभी ये प्रैक्टिकल चीज नहीं पता कि जब हेलीकॉप्टर छत पे उतरेगा तो उसको कितनी ताकत वाली छत चाहिए कितनी नहीं चाहिए, पर उसको ख्वाब है, वो जैसे फिल्मों में देखता है, वो जो फैंटेसी है उसके लिए, वो उसके लिए एक फैंटेसी।
तो रात को नींद वाले ख्वाब कौन से ग्रह से आते हैं जिनको कई लोगों को चंद्रमा बहुत है, चंद्रमा ज्यादा? मून है ना, अच्छा, मून। हाँ मून है, ठीक है इसलिए तो ठीक नींद का कारक चंद्रमा है। है जी। चलिए गुरु हाँ श्रवण जी, श्रवण शेखावत म्यूट पर है आप। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा सवाल था कि धनुर्लग्न कुंडली में बाई एरिया शुक्र अस्त हो और नवांश में डी नाइन में वर्गो, तो मुझ तो कैसे देखेंगे। पहली बात तो आपने कहा कि डी वन चार्ट के अंदर शुक्र ग्रह अस्त है, यानी कि सूरज के साथ, अच्छा सूरज के साथ बैठा है। सूरज कितना डिग्री का है, शुक्र कितना डिग्री का है? फिर कैसे करें। लिंक सूर्य आने पर वो सारा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हाउस ये पहले म्यूट बैठा कर है, दे आपको, ये जो आप देख, एक एक मिनट हाउस पहले बैठा है। माया जी बंद करके रखें, म्यूट करें। हाँ स्वर्ण जी क्या लेकिन कह रहे हैं? डिग्री 29 है, डिग्री सूर्य की 29 29 है सूर्य डिग्री है, भगवान का, इनका और इन शुक्र कितने शुक्र डिग्री का का एक है? डिग्री है, 1 डिग्री का, लेकिन एक डिग्री हाउस अलग अलग है, हाउस नहीं, अलग अलग है हाउस दोनों। अलग अलग है, कोई बात नहीं। आपने कहा शुक्र वर्गोत्तम हो गया। हाँ हाँ, तो शुक्र जो वर्गोत्तम हुआ है वो देखो नवमांश कुंडली में कौन से भाव में वर्गोत्तम हुआ वो त्रिकोण में है ना, 9,000। है। हाँ, 9th हाउस में अगर वर्गोत्तम हुआ है तो अच्छा है। लेकिन मंगल की राशि में है, नहीं, बेशक मेष राशि में होगा या मेष वृश्चिक राशि में होगा, सिंपल, उससे कोई फर्क नहीं। में फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन उच्च मतलब बढ़िया हो गया ना, हाँ, शादी मेष में में दिक्कत नहीं देगा। नहीं, सिंपल देखो, एक कंसेप्ट है। अगर नवमांशा कुंडली के अंदर शुक्र सूरज की राशि में या मंगल की राशि में हो, या केतु के साथ हो, या मंगल के साथ हो, या सूरज के साथ हो, पत्नी गुस्से वाली मिले, पर शुक्र वर्ग ठीक है ना, वो वर्ग तो पाएगा। या गुरु जी, मैंने कल एक आपका मेरी सॉरी खरीदा ही अपना वास्तु का जो चीज वास्तु, उसमें एक पहला वीडियो आपका पहला है, पहला वीडियो है, उसमें आपने बोला था कि यानी ईशान कोण में जो रूम है उसमें बैठ के आप जो सोचोगे जो पूछोगे वो मिलता है, ये सत्य नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत। हाँ वो बढ़िया है, थैंक यू गुरु जी। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, टाइम हो गया। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आज क्लास में, शाम को नमस्कार 7:30 बजे क्लास में मिलते हैं। जो लाल किताब के नमस्कार सर। स्टूडेंट्स हैं, 7:30 बजे मिलते हैं नई टेक्निक के साथ। ठीक गुरु जी है, ओके, प्रणाम, चरण स्पर्श। सर हम भी आ सकते हैं धन्यवाद सर उसमें। जी, प्रणाम बहुत प्रणाम। बहुत प्रणाम चलिए जी सर। धन्यवाद।